हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने फसाई लाइसेंस को अगर अपडेट करना है, जैसे एड्रेस जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करा था उसमें ओनर का नेम या फिर जो आपका रेस्टोरेंट का नेम था, अगर आपको उसको अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो आइए मैं ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ ये पूरा प्रोसेस कैसे कम्प्लीट होगा और अपडेट करने के लिए आपको दोबारा से क्या फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो किसी भी फसाई के पुराने लाइसेंस या फूड लाइसेंस को अपडेट करने के लिए आप आएंगे foscos.fasai.gov.in पे। ये URL मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद क्लिक हियर फॉर फॉस्कोस पे क्लिक करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये उसी पोर्टल से अपडेट होगा जिस पोर्टल से इस लाइसेंस को अप्लाई किया गया था। आप किसी और नए पोर्टल से लॉग इन करके किसी पुराने फसाई लाइसेंस को आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लॉग इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से साइन इन का पेज आ जाएगा। आप पुराने यूज़र होंगे तो आपको पता है कहाँ से साइन इन करना है, लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं और किस तरह से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, फसाई से रिलेटेड मैंने पहले भी और वीडियोस बना रखी है, जैसे अप्लाई कैसे करना है, लाइसेंस कैसे डाउनलोड करना है, या फिर कोई एप्लीकेशन पर आपके रिवर्ट आया है तो कैसे उसका रिवर्ट करना है, तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो है जिसका URL डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आप चाहे तो उसको डायरेक्ट देख सकते हैं, उससे पता चल सकता है आपको कि कैसे आपको इस फसाई लाइसेंस के लिए आप साइन अप करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं अपडेट का प्रोसेस। तो यहाँ पे आप अपना पुराना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, ये दिया गया कैप्चा आप यहाँ डाल के साइन इन करेंगे। तो मैंने डाल दिया है कैप्चा, साइन इन पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए साइन इन हो गया। अब आपके जितने भी इशूड लाइसेंस है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप इस ग्रीन वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपको जिस भी एप्लीकेशन को अपडेट करना है आपको उसको खोलना होगा। अगर इशूड लाइसेंस है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखेगा। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन वाले सर्टिफिकेट हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपने जितने भी अप्लाई करे हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो जैसा कि मुझे ये वाला जो मेरा पहला लाइसेंस था, मुझे इसमें कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, तो कस्टमर ने कुछ इसमें चीज़ें अपडेट करने को कहा है, तो मैं उनको अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। अब उसमें मुझे क्या क्या अपडेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मुझे जैसे एड्रेस, इनके फसाई लाइसेंस का मतलब जो शॉप का नेम है वो मुझे अपडेट करना है। तो ये प्रोसेस कैसे करना है मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो अपडेट करने के लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और देख सकते हैं डैशबोर्ड के नीचे आपको कई ऑप्शन दिए हैं, सर्विसेज हैं जो फसाई से रिलेटेड हैं। इसमें से कुछ सर्विस को मैं पहले से ही कवर कर चुका हूँ। तो आज अगर आपको अपना लाइसेंस मॉडिफाइड करना है तो आप इसमें आएंगे, रिन्यूअल करना है तो आप ये सेकेंड ऑप्शन है, और अगर आप नया अप्लाई करना चाहते हैं तो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ये पहला ऑप्शन। तो आज अपडेट करना है पुराने फसाई लाइसेंस के नेम और एड्रेस को, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखें यहाँ है अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन इन लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन या स्टेटस ऑफ नॉन फॉर्म सी मॉडिफिकेशन। तो आपको इसमें से कौन सा करना है आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे पहला वाला करना है, अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन इन लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपने अभी तक जितने भी अप्लाई करे होंगे फसाई लाइसेंस अपने इस लॉगिन पोर्टल के अंदर से, वो सब आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो आपको सही वाला सेलेक्ट करना होगा जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं। तो जैसे मुझे ये वाला अपडेट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मुझे जैसे ये लास्ट वाला अपडेट करना है जो थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है, मतलब जो सबसे पहले होगा वो सबसे लास्ट आएगा और जो सबसे बाद में करा होगा वो सबसे टॉप आएगा। तो मुझे ये वाला अपडेट करना है, तो इस पर ये आप प्रोसीड का ऑप्शन देख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पॉपअप विंडो आएगा जिसपे नोटिफिकेशन बताया जा रहा है, आर यू श्योर वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट, और उस पर एक नोट लिखी है। तो इस पर बताया गया है कि अगर आपने एक बार ओके करके स्टार्ट कर दिया तो जो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट और इशूड में दिखती है वो नहीं दिखेगी, फिर ये इनकम्प्लीट में आ जाएगा, मतलब आपने मॉडिफिकेशन करा है। अब उसको फिर से चेक करा जाएगा और जब वो फिर से अप्रूव्ड हो जाएगा तभी वो एप्लीकेशन मतलब इस लाइसेंस को माना जाएगा। तो आप यहाँ ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद देखिए फिर से सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप मॉडिफाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट मत करिएगा, जो आपकी पहले से सर्विसेज हैं वही सर्विसेज चलने दीजिएगा, आप सिर्फ यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपने पहले सेलेक्ट करा था वो सारी चीज़ें आपकी आ रही होंगी, आपको कोई भी चीज़ वहाँ पिछले वाले टैब पर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ क्लिक या टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर नेम और बाकी जो चीज़ें आपने पहले भरी थी वो सब चीज़ें यहाँ आ रही हैं। तो अब देखिए मुझे यहाँ अपडेट करने के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए मेरा ये लाइसेंस का नेम था, मैंने आपको दिखाया था, आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का नेम है या कह सकते हैं जो हॉकर का नेम, हॉकर वो होते हैं जो स्टॉल लगाते हैं, जैसे कह सकते हैं चाट का ठेला या मोबाइल मोमोज या फिंगर चिप्स, तो इस तरह के जो भी ठेले होते हैं वो हॉकर में आते हैं। तो ये हॉकर का एक लाइसेंस था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा है नेम ऑफ द एप्लीकेंट ऑब्लिक कंपनी, तो यहाँ नेम ऑफ द एप्लीकेंट तो लिखा है लेकिन कंपनी का नेम
मिस हो गया था, इस वजह से अब इसको अपडेट करना है। उसके लिए फिर से यहाँ स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद यहाँ एक स्लैश लगाएंगे। स्लैश लगाने के बाद फिर से स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद अब जो इनके कंपनी का नेम है, मतलब जो भी इनके रेस्टोरेंट का, हॉकर का, ठेले का, दुकान का, जो भी नेम सजेस्ट करा है कस्टमर ने आपको, आप वो नेम यहाँ डालेंगे। तो मैं नया नेम यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो ये स्लैश के बाद स्पेस देंगे और जो नेम होगा आप वो लिख देंगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एड्रेस अपडेट करना था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस लिखा है, एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड। और देखिए ये हॉकर की सर्विस पे ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि हॉकर क्या होता है। तो पहले यहाँ का एड्रेस अपडेट करेंगे, जो कि ये आपको दिखा है एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर द फूड बिजनेस इज लोकेटेड। तो मुझे ये दोनों एड्रेस अपडेट करने हैं, कस्टमर का एड्रेस भी अपडेट करना है यहाँ पे और जो फूड बिजनेस जहाँ लोकेट है, जहाँ पे ऑपरेट करा जाता है, वो एड्रेस भी अपडेट करना है। तो पहले यहाँ पे ये एड्रेस अपडेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पूरा एड्रेस लिख दिया है। अब ये आप एक बार अपना एड्रेस लिखने के बाद चेक कर लेंगे। तो मैंने फूड बिजनेस जहाँ ऑपरेट होता है वो एड्रेस अपडेट कर लिया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जो कस्टमर का एड्रेस है वो भी अपडेट करेंगे। तो मैंने दोनों एड्रेस अपडेट कर लिए हैं। अब अपडेट करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप किसी भी डिटेल्स को अपडेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ बस तीन चीज़ें अपडेट करनी थी जो मैंने बता दिया, ओनर का एड्रेस, फूड प्रीमाइसेस जहाँ ऑपरेट होता है और यहाँ पे कंपनी का नेम था, मतलब जिस नाम से रेस्टोरेंट था, हॉकर था या ठेला था, वो नेम अपडेट करना था। अपडेट करने के बाद आप स्क्रॉल करके सीधे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए तो यहाँ जो सारे आपने फूड बिजनेस सेलेक्ट करे थे वो पहले से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिस हो गया था और आप ऐड नहीं कर पाए थे जब आपने अप्लाई करा था और आपको अभी ऐड करना है, तो आप ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और जिस तरह से ये देखिए ऑप्शन है, अब जैसे ये ऑप्शन है फिफ्थ वाला कन्फेंशरी, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। ऐड करने के लिए यहाँ सेव एंड ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये तुरंत ऐड हो जाता है। अगर आपको ये रिमूव करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए आपका बिजनेस डेट स्टार्ट और सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें आ रही होती। तो अगर आपको चेंज करना है, मतलब अब प्रेजेंट टाइम पे अगर कुछ अपडेशन हुआ है आपके बिजनेस में, तो कर सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ देंगे। बस यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पहले से अपलोड हैं। लिखा है ऑल डॉक्यूमेंट्स शैल बी सेल्फ अटेस्टेड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेचर प्रॉपर्टी इंडिविजुअल और एप्लीकेंट बिफोर अपलोडिंग। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो थे वो अपलोड है, इसीलिए व्यू और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं अपलोड होते तो यहाँ व्यू और डिलीट का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन अगर आपको कोई दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आपको पहले यहाँ डिलीट करना होगा फिर अपलोड करना होगा। लेकिन मुझे अभी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा यहाँ पे दोबारा से कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ना करिए जब तक फसाई फूड ऑफिसर्स की ओर से या फसाई ये लाइसेंस की ओर से मांगा ना गया हो आपसे। उसके बाद आप सिर्फ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कंसर्न देंगे। कंसर्न देने के बाद देखिए यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे आपको ये सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं ये अमाउंट है जो आपको अपडेट के लिए पे करने होंगे दोबारा से। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये अमाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपीज़ है, लेकिन आपका फूड लाइसेंस होता है जो कि सेंट्रल के लिए या स्टेट के लिए होता है, उसके चार्ज थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप कंसर्न दे दिया। कंसर्न देने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पे क्लिक करते ही ये आपको पेमेंट के पोर्टल पे ले जाएगा, तो इस तरह से रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ, ईजी रहेगा। अब यहाँ पे आपको वीपीआई सेलेक्ट करना होगा। वीपीआई होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जो भी पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हैं, हर एक पेमेंट ऐप का एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, वो आप एड्रेस डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल के आपको पे करके नेक्स्ट स्क्रीन दिखाता हूँ। मैंने अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल दिया है, सिक्योरिटी रीजंस के लिए थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। अब यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से पॉपअप आ जाएगा कि ये फीस आप पे कर रहे हैं। आप पे के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, आपकी जो भी ऐप है आप उसमें लॉगिन होंगे और आपका जो यूपीआई पेमेंट का रिक्वेस्ट होगा उस ऐप में, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो आपने जो यहाँ से रिक्वेस्ट प्रोसीड करी है वो वहाँ पर शो हो रही होगी। आप जैसे ही वहाँ पे ओके करेंगे, अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे, यहाँ से पे रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखिए मैंने अपनी ऐप खोल दी है, उसमें मैंने पे कर दिया है, अपनी यूपीआई पिन डाल दी है। आप देखिएगा बस एक सेकंड में ये पे रिफ्रेश हो जाएगा और इधर से मैंने प्रोसेस पूरा मोबाइल से कर दिया है। आप पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, रीलोड नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा पेमेंट रिसीव होते ही। तो ये देखिए पेमेंट रिसीव हो गया, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है। अब ये देखिए इस तरह से आपकी पूरी रिसिप्ट आ जाएगी। अब मैंने देखिए कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने डाला था, आपको दिखाया था, पूरा नेम आ गया है। और देखिए मेरे बैंक से बैलेंस कटा उसका मैसेज भी आ गया मेरे पास। और ये जो प्रीमाइसेस एड्रेस मैंने अपडेट करा था, देखिए वो भी पूरा आ गया है। और ये देखिए हॉकर कैटेगरी में था और रजिस्ट्रेशन, और ये देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश और मॉडिफिकेशन, क्योंकि अब मैंने इसी रजिस्ट्रेशन को मॉडिफिकेशन करा है
तो ये रिसिप्ट में इस तरह से आ गया है और पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है कि क्या पेमेंट का मोड था और कितनी फीस पे करी। नोट डी है, मैं उसको अभी आपको बताता हूँ। पहले इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए आप ये प्रिंट का बटन दिया गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये रिसिप्ट आपकी ओपन हो जाएगी। अगर किसी कस्टमर डायरेक्ट यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट करके दे सकते हैं और सेव करना चाहे तो सेव के ऑप्शन पर टिक करके यहाँ सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम पे इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है फसाई डज नॉट कॉन्टैक्ट अप्लीकेंट ओवर टेलीफोन और फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन क्वेरीज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि फसाई की ओर से कभी कॉल नहीं करी जाती है आपको ये पूछने के लिए कि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आपने अप्लाई करा है, क्योंकि कुछ इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है कि उनकी ओर से कभी आपको किसी भी इशू के रिलेटेड कॉल नहीं आएगी। जो होगा नोटिफिकेशन आपको यहीं रिवर्ट कर दी जाएगी, उसी रिवर्ट पे आपको रिप्लाई करना होगा। अगर आपको तब भी कोई सपोर्ट चाहिए तो आप इस नंबर पे या फिर इस ईमेल आईडी पे मेल डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है उसमें लिखा है, उसके बाद लिखा है कि अगर इनकी ओर से कोई रिवर्ट आता है अप्लीकेशन के ऊपर तो आपको 30 डेज में रिप्लाई करना होगा, वरना आपका जो लाइसेंस है चाहे वो मॉडिफिकेशन में हो चाहे न्यू अप्लाई हो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बताया है जो आपने अभी फॉर्म अप्लाई करा है आपको उसकी कॉपी भी रखनी पड़ेगी इन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद अथॉरिटीज। मतलब मान लीजिए कभी कोई बात हो गई और आपका अप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाता है तो आपने जो ये सब भरा है डिटेल इसकी आपको एक कॉपी भी रखनी होगी। तो उस कॉपी को निकालने के लिए आप ये व्यू ऑब्लिक प्रिंट लाइसेंस अप्लीकेशन का ये बटन आ रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये URL एक तरह का, तो देखिए आपने जो अभी अपने एप्लीकेशन में भरा था वो पूरी डिटेल्स यहाँ खुल के आ जाएगी। ये देखिए अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि ये पूरी डिटेल भी आपको अपने पास प्रिंट करके रखनी है। तो इसको सेव करने के लिए ये ऊपर राइट क्लिक पे ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो जाएगी, सिर्फ 36 KB की एप्लीकेशन। इस टैब को आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद देखिए ये पूरा प्रोसेस आपका हो गया है। जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा, मतलब जिस पोर्टल से ये अप्लाई करा गया है एक उस मैसेज उसके पास आएगा और जिस कस्टमर के लिए ये अप्लाई करा था उनका नंबर उसमें लगा होगा उनके पास भी एक मैसेज आ जाएगा जिसमें एक आपको रेफरेंस नंबर दिया गया होगा ट्रैक करने के लिए। ये वो नंबर यहाँ पे भी देख सकते हैं, यही रेफरेंस नंबर आपके मैसेज के थ्रू आएगा, आप एप्लीकेशन जिससे ट्रैक कर सकते हैं। तो अब मैं वापस आपको डैशबोर्ड पे ले जाके दिखा देता हूँ कि जो मैंने एप्लीकेशन करी है अब वो इसमें सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट में फिर से आने लग जाएगी। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने अभी ये एप्लीकेशन अप्लाई करी थी, आपने ये नाम पहले ही देखा होगा। अब ये देखिए फिर से ये सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट के अंदर दिखाने रहा, सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट के अंदर दिखने लग जा रही है और जिसमें देखिए अब की बार एप्लीकेशन टाइप जो है वो मॉडिफिकेशन है और स्टेटस अभी प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएट आ रहा है। तो ये अपडेट का प्रोसेस है, वैसे 4 से 5 दिन में अपडेट हो जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्स विद इन, अगर कोई रिवर्ट आती है तो, वरना ये अपडेट का प्रोसेस 4 से 5 दिन में अपडेट हो जाता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में मैक्सिमम 30 डेज लगते हैं। लेकिन अगर आप नई एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं या मॉडिफिकेशन करते हैं तो मिनिमम आपको 4 डेज और मैक्सिमम आपको 30 डेज में वो सर्टिफिकेट चाहे कैंसिल हो अप्रूव हो उसका जो भी स्टेटस होगा आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।